Assalamu alaikum, dear students. Here I am with the lesson after 20 years, and this is for class 12. And we will do some passages of this lesson. And we have started yesterday the opening lines with the opening lines of this short story. And we will continue with that opening lines and move to page number 2. And from the point of view of characters, these two paragraphs are important. From the point of view of writing characters of the two, those characters of the short story. So let me start reading the paragraph. It is on page number 2 and paragraph number 1. Drawing doors. As he went, traveling his gallop with many intricate and awful moments, turning now and then to cast his watchful eyes down the pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was then that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store of an all-night lunch counter. But the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. So, trying doors. This is the policeman. Policeman, we have talked in the first line that it was, and I have told you in the setting that it is in the New York and it is on a broad avenue that policeman is on patrol duty. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, हम यही कहेंगे दरवाज़ों को आजमाते हुए जैसे वो चलता गया, यानी वो दरअसल जो ताले लगे हुए थे दरवाज़ों पे उनके, क्योंकि वो पेट्रोल ड्यूटी पे उनको चेक करता गया कि कहीं कोई ताला तो खुला नहीं रह गया किसी दुकानदार को. ट्रेवलिंग हिज कल्ब विथ मैनी इंट्रिकेट एंड ऑटफुल मोमेंट्स, ट्रेवलिंग घुमाते हुए हिज कल्ब, कल्ब के दो माने हैं. एक कल्ब वो होता है जिसमें कुछ लोग जो है एक दूसरे के साथ मिल कर ना एक ग्रुप बनाते हैं और अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें शेयर करते हैं, या कहीं जमा होकर अपनी अपना कोई जो है प्रोग्राम चलाते हैं. और दूसरा क्लब वो डंडा होता है, वो स्टिक होती है, वो छड़ी होती है जो आदमी लेके चलता है या हाथ में रखता है, जो या क्लब जो पुलिस वालों के पास डंडा होता है उसको भी क्लब कहते हैं. तो ये बड़े ही एक अंदाज से एक पीचीदा और पेचदार और फंकाराना अंदाज से इस कलब को घुमाते जा रहा था. विद कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट्स ऑफ हिज कल्ब ही वाज प्रोसीडिंग अहेड एंड टर्निंग नाउ एंड देन, कभी कभार, कभी इधर कभी उधर, टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थोरोफेयर. अपनी उन होशियार आंखों को, यहाँ पे वाचपुल मैं कहूँगा होशियार आंखों को, कभी इधर घुमाता था कभी उधर घुमाता था, दूर तक देखता था डाउन द पैसिफिक, पैसिफिक थोरोफेयर में पैसिफिक माने हैं यहाँ पे पूरे अमन के, पैसिफिक ओशन को भी पैसिफिक इसलिए बताया बिकॉज दैट इज़ काम, काम एंड बिल्कुल जो है ये पुरमन जो है ये थारोफियर है. थारोफियर मीन शहराई आम, जहाँ से आम लोगों का चलना होता है, आम गाड़ियाँ चलती हैं, सड़क होती है. द ऑफिसर विद स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वाग, ये ऑफिसर जो है उसका एक अपना जो उसका वफादारी उसके चलने से दिखती थी, इज स्टॉन्च एंड हार्ड वर्किंग, उस शक्ल में जा रहा था. स्टॉलवर्ट फॉर्म, फॉर्म शक्ल है. स्टॉलवर्ट हियर हैज बीन यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड ए स्लाइट स्वाग, स्वाग, स्वाग मींस टू वॉक इन डिग्निटी, वॉक विद डिग्निटी, वॉक इन ए सेल्फ इम्पॉर्टेंट वे. तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. स्वाग आपको मैंने क्लासों में समझाया और किसी की मिसाल भी दी है लोगों की, कि कौन कौन मुझे लगता है कि स्लाइट स्वाग के, स्वाग के साथ चलते हैं. आर डियर स्टूडेंट्स, नाउ द अनदर लाइन, द विसिनिटी वाज वन दैट कैप्ट अर्ली आवर्स. ये थोड़ा तरीके से लिखा गया है, जो ये जो एरिया है यहाँ पे पहले ही कारोबार बंद हो जाता था, कैप्ट अर्ली आवर्स. नाउ एंड देन
and the market will get closed early. Now and then you might now and then you might see the lights of a cigar store or of an old night lunch counter. कभी कभार इस शहर से गुजरते हुए आपको किसी सिगरेट की दुकान सिगार दुकान पे नज़र पड़ेगी जहाँ जो खुला है जिसके बत्ती जलती है जहाँ पे लाइट ऑन है या ओल्ड नाइट लंच काउंटर है जो रेस्टोरेंट है जहाँ रात भर खाना चलता है वहाँ पे अभी लाइट जो है चलती है. बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड. लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो पहले बंद हो चुकी हैं जो वो कारोबारी दुकानें हैं इसलिए बंद हो चुकी हैं. यहाँ पे आपको इस पुलिसमैन के कुछ फिजिकल फीचर्स पता चले अगर आप देख लेंगे पैराग्राफ में उसका जो है फिजिकल फीचर्स आप इस पैराग्राफ से. इसकी वॉचफुल आइज हैं स्टॉलवर्ट फॉर्म है स्लाइड स्वाग के साथ चलता है तो इससे आपके इस आपको इसके कुछ पर्सनल ट्रेट्स पता चले. और कल जब हम इसका कैरेक्टर लिखेंगे तो ये चीज़ें हम ज़रूर मेंशन कर लेंगे क्योंकि हमने बुक में पाया स्टोरी में पाया कि ये चीज़ें इसके पास हैं जो ये पुलिसमैन है. हाँ डियर स्टूडेंट्स सेकेंड पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे हम. वेन अबाउट मिड वे ऑफ अ सर्टेन ब्लॉक द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक. इस ब्लॉक इस शहर के किसी हिस्से पे पहुंचते हुए सर्टन ब्लॉक किसी भी हिस्से पे पहुंचते हुए ये पुलिसमैन ने अपना जो कदम है इसको धीमा कर दिया. उसने अपनी ये धीमे चलने लगा. इन द डोर ऑफ अ डॉग इन हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन. तो एक हार्डवेयर स्टोर में जो जो लाइट्स बंद है वहाँ से एक आदमी जो है वो थोड़ा सा झुक के पुलिसमैन की तरफ झुक गया. वो अंधेरा है अंधेरे से एक आदमी निकल गया तो सीधी सी बात है पुलिसमैन रात को जो पेट्रोल ड्यूटी पे है जो सुरंग ड्यूटी से ये ज़रूर इस पे शक करेगा कि कौन आदमी है जो रात को इधर है. तो लेकिन वो भी बहुत चालाक आदमी है वो पहले ही इस चीज़ को समझ गया कि पुलिसमैन कुड सस्पेक्ट मी और ही कुड लुक मी विद सस्पिशियस आइज. तो वो अपनी तरफ से ही वो शुरू करता है और कहता है पहले हम देख लेंगे वो आदमी किस तरह का है. विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ. दिस इज वन ऑफ द वेल राइटिंग द कैरेक्टर्स दिस शोज. जब आपकी पहली नज़र इस आदमी पर पड़ती है इसके मुंह में सिगार है सिगरेट नहीं दिया गए इस बोर्ड चाहते हैं दीग गोलाकुट सिगार को बोर्ड सिगरेट गोलाकुट. तो सिगार इसके मुंह में है. एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली. और जब पुलिसमैन उसकी तरफ जाने लगा तो वो आदमी उसने तेज़ी से बोला इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड रीअश्योरिंग. जैसे इसको दोबारा ये निशानी कर रहा है कि भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक है यानी पुलिसमैन को पुलिसमैन के पूछे बगैर काश इस तरह सा कार्ड करें पुलिस वेल से प्रश्न बगैर तो बारह कार्ड हाँ ठीक है. तो लेकिन इसने पुलिसमैन को बोलने ही नहीं दिया कि और उसको दोबारा अश्योर करते हुए क्योंकि ये समझ गया कि पुलिसमैन मुझे इस वक्त यहाँ देखकर चेक कर सकता है कि कौन आदमी है जो रात को यहाँ इस अंधेरे में बैठा है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए फ्रेंड. और उसने कहा भाई कोई बात नहीं है मैं यहाँ पे एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ इट्स एन अपॉइंटमेंट में 20 ईयर्स है. तो यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक मीटिंग पहले ही फिक्स हुई है 20 साल पहले ये एक मुलाकात हमने मुकर्रर की है अपॉइंटमेंट. साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू. आपको शायद मजाक लगता है डजंट इट. आपको मजाक लगता होगा नहीं लगता है क्या. इट्स अ टेल क्वेश्चन हियर डजंट इट. तो ये टेल क्वेश्चन आपको समझाया भी है मैंने. वेल आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इट इज ऑल स्ट्रेट. अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लूँगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ. ही इज कीन टू टेल हिम द स्टोरी व्हाई ही इज देयर अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट. बहुत पहले अब ये लगा इसको कि पुलिसमैन जो है सेटिस्फाई हो गया और पुलिसमैन को इसने कहा कि ये इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे बहुत पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट है. नाउ कोट
Until 5 years ago, said the police. Now, quote, I will read it. Quote, until 5 years ago, unquote, said the policeman. Quote, it was torn down then, unquote. 5 साल पहले पुलिस वाले ने कहा ये जो है मुनहदिम किया गया. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगता है फिर इसको इसमें यूट्यूब में अपलोड करते हुए. फिर किसी न किसी तरीके से मैं आपको मटेरियल भेजता हूँ और फिर यूट्यूब जो है आपको दूसरे दिन ज़रूर आता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम. शायद रात को ही फिर ये अपलोड हो जाता है, दिन में ये घंटों भर रहता है, फिर डिलीट हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है. ओके बट यू विल डू दिस पैराग्राफ एंड ट्राई टू कलेक्ट कलेक्ट सम फिजिकल फीचर्स ऑफ द टू पर्सन्स वर्किंग इन दिस. जैसे आपने कहा जिमी वेल्स के बारे में जाना, कि जिमी वेल्स की मैं अभी बात नहीं करूँगा, इट इज़ नॉट रिवील्ड टू अस दैट इट इज़ जिमी वेल्स. लेकिन पुलिसमैन की हम बात करेंगे, वॉचफुल आइज है, स्टॉलवर्ट फॉर्म है, स्लाइट स्वागत है. और जो उसके बारे में हमें पता चला, ही वॉज हैविंग ए सिगार इन हिज माउथ, अभी तक यही पता चला. और बहुत चालाक है, पहले ही उसको पता चला कि पुलिसमैन जो है ही माइट सस्पेक्ट मी. ओके थैंक यू, इट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड विल बी डूइंग दिस टुमारो ऑल्सो. ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे इन, स्टे सेफ.